राधा कृष्ण के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी कृष्ण और देवी आलक्ष्मी की बातचीत के साथ, जहां पर श्री कृष्ण देवी आलक्ष्मी को प्रेम की शक्ति के बारे में विस्तार से बता रहे होंगे और बेसिकली उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे होंगे कि कितनी शक्ति होती है प्रेम में, कि प्रेम कभी विनाश नहीं करता, वो सदैव अच्छा काम करता है। लेकिन आलक्ष्मी यहाँ पर कृष्ण को देखते हुए कहती हैं कि आप मेरे प्रियतम हैं, क्या आप मुझे अपने सुंदर महल में नहीं बुलाएंगे? कृष्ण कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें कभी भी अपने महल में नहीं बुलाऊंगा। आलक्ष्मी कहती हैं कि कोई बात नहीं, आप नहीं बुलाएंगे तो राधा अवश्य मुझे बुलाएगी, क्योंकि मैं उसकी परछाई हूँ और अपनी छाया से कोई दूर भला कैसे रह सकता है। कृष्ण यहाँ पर आलक्ष्मी को वॉर्न करते हुए कहते हैं कि राधा तुम्हें कभी भी नहीं बुलाएगी, वो प्रेम के मार्ग पर अग्रसर है और वो तुम्हारा स्थान और तुम्हारा साथ कभी भी नहीं देगी और द्वारका वासियों को संतुष्ट करके तुम्हारी यहाँ से हार जरूर निश्चित करवाएगी। यहाँ पर आलक्ष्मी कहती हैं कि मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। कृष्ण, आप जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता। कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि तुम अच्छे काम करो, यही अंतर है तुम में और लक्ष्मी यानी कि राधा में। तुम सदैव ही घृणा और बुरी चीज़ों से लीन रहती हो, लेकिन लक्ष्मी सदैव ही प्रेम, भक्ति और अच्छे मार्ग पर चलती है। इसीलिए तुम्हारे ऊपर तुम्हारी ये अज्ञानता अवश्य भारी पड़ेगी। यहाँ पर गौरी माता महादेव को देखती हैं और कहती हैं कि ये सब क्या हो रहा है, श्री कृष्ण कुछ कर क्यों नहीं रहे, राधा को शक्ति क्यों नहीं आ रही है। महादेव कहते हैं कि ये नकारात्मक शक्ति है, केवल सकारात्मक शक्ति से ही नष्ट होगी। गौरी यहाँ पर कहती हैं तो मैं अपनी शक्ति राधा के मस्तिष्क में डाल देती हूँ, संचलित कर देती हूँ, ताकि वो अपनी आलक्ष्मी का जो रूप है उसको नष्ट कर दे। महादेव कहते हैं तो करना है आपको, जो भी जल्दी करिए। कृष्ण यहाँ पर राधा से बातचीत करते हैं और राधा यहाँ पर कहती हैं कि कृष्ण यहाँ क्यों आ गए, हमें तो सबकी सेवा और उपचार करना था। कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि सबसे पहले हमें उपचार की शुरुआत यहीं से करनी होगी। यहाँ पर राधा कहती हैं कि ये तो राजमहल है, यहाँ पर तो कोई भी बीमार नहीं है। तभी कुछ देर बाद किसी के खांसने की आवाज़ आती है और वो राधा और कृष्ण के महल का एक दास होता है जो काफ़ी ज़्यादा बीमार होता है। कृष्ण उसकी ओर बढ़ते हैं तो दास कहता है, रुक जाइए द्वारकाधीश, आप मेरे निकट मत आइए, मैं बीमार हूँ और मैं आपसे उपचार नहीं करवा सकता। कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि अच्छे समय में आपने सदैव हमारी सहायता की है, हमारी सेवा की है, तो आपके मुश्किल समय में मैं आपका साथ ना दूं ऐसा हो ही नहीं सकता। और द्वारकाधीश होने के नाते मुझे अपने द्वारका वासियों का ख्याल रखना होगा और मैं आपका साथ अवश्य दूंगा। यहाँ पर धीरे धीरे राज्य परिवार के सभी लोग आकर के राधा कृष्ण को दास की सेवा करते हुए देखकर आश्चर्यचकित होते हैं और निषाद उल्मुख भी कहते हैं कि क्या अब राजघराने के लोग भी बाकी के लोगों की सेवा करेंगे। कृष्ण यहाँ समझाते हैं और कहते हैं कि हाँ, अगर इस महामारी के समय में हम उनका साथ नहीं देंगे, एक दूसरे का साथ कोई नहीं देगा, तो ये कभी भी परेशानी समाप्त नहीं होगी। राधा कृष्ण की उत्सुकता देखकर लोगों की सेवा करने के लिए धीरे धीरे सभी लोग उपचार में मदद के लिए जाने लगते हैं और जो जो लोग ठीक होते जाते हैं उनसे श्री कृष्ण मिलते हैं और वो लोग श्री कृष्ण का धन्यवाद कहते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि नहीं, आप मुझे धन्यवाद मत कीजिए, बस आप ठीक हो जाने के बाद कुछ और जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी सेवा कीजिए, उन्हें ठीक कीजिए, क्योंकि साथ में मिलकर करने से ही ये जो परेशानी है ये ठीक हो पाएगी। यहाँ पर सभी लोग हामी भरते हैं और कहते हैं कि हाँ, हम आपके साथ हैं, हम आपकी मदद करेंगे। उधर दिखाया जाएगा कि राधा यहाँ पर प्रार्थना कर रही होती हैं और कृष्ण से कहती हैं कि कृष्ण, इतनी देर हो गई लेकिन उपचार में मदद के लिए अभी तक कोई नहीं आया है, कहीं हमारा जो संकल्प का दिया है वो बुझ ना जाए। कृष्ण राधा को मंदिर में ले जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ कुछ भी गलत नहीं होने वाला। राधा माँ गौरी की प्रार्थना करती हैं और कहती हैं कि आपको द्वारका को बचाना ही होगा, आप या तो मेरी शक्तियाँ दीजिए या फिर आप मेरी मृत्यु कर लीजिए, क्योंकि ये सब जो हो रहा है मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकती। यहाँ पर श्री कृष्ण की ओर देखते हुए राधा कहती हैं कि लगता है हमारा संकल्प अधूरा ही रह जाएगा, कृष्ण अभी तक कोई भी नहीं आया। तभी पीछे से द्वारका वासियों की आवाज़ आती है और सब कहते हैं कि हम आपके साथ हैं द्वारकाधीश, हम आपकी मदद करेंगे। यहाँ पर कहते हैं सारे द्वारकाधीश से कि हम
आपकी मदद करने के लिए सज्जे हैं, आप बताइए हमें किस तरीके से मदद करनी है। उधर आलक्ष्मी ये सब कुछ देख रही होती है और कहती है कि अच्छा, आलक्ष्मी के सामने इतनी ज़्यादा चालाकी, द्वारका वासियों की मदद ली जा रही है, लेकिन इससे होगा कुछ भी नहीं। और वो ज्वालासुर को एक बार फिर से प्रकट करती है और कहती है कि जितना भी तुम में समर्थ है, उतनी ही समर्थता से तुम द्वारका में पूरी तरह से आतंक फैला दो ताकि सब कुछ तहस नहस हो जाए। और यहाँ पर ज्वालासुर ऐसा ही करता है और जो मंदिर में लोग उपस्थित होते हैं राधा कृष्ण के साथ, धीरे धीरे वो भी इस बीमारी से प्रभावित होने लगते हैं, जिसमें सांब और बलराम दाऊ भी होते हैं। साम कहता है कि देखा द्वारका वासियों, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये राधा के पीछे पीछे मत चलो, इसके साथ रहोगे तो ऐसा ही होगा। अब देखा राधा की वजह से हमारी क्या दशा हो रही है। राधा यहाँ सबको समझाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि मैं तो बस आप सबकी सेवा करना चाह रही थी, और सेवा से बड़ी भक्ति और कुछ होती भी नहीं है। लेकिन साम यहाँ लोगों को भड़काता रहता है और राधा को कहता है कि आप बस एक काम कीजिए, आप अब हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, हमारे साथ कुछ भी मत कीजिए। सब लोग मिलकर कहते हैं कि जो हमारी हालत ख़राब हुई है, अब आप भी बताइए राधा, उसका जिम्मेदार कौन है। तभी महादेव देवी गौरी से कहते हैं कि जल्दी आप अपनी शक्तियों का संचालन करिए देवी राधा में, अन्यथा आलक्ष्मी कुछ ऐसा करेगी जो बहुत बड़ा अनर्थ साबित होगा। गौरी यहाँ पर कहती हैं कि मैं एक क्षण की प्रतीक्षा कर रही हूँ जो अभी नहीं आया है। उधर कृष्ण आलक्ष्मी से बात करने पहुँचेंगे और कहेंगे कि ये जो तुमने बहाव दृश्य रख रखा है, इसे रोक दो, मासूम लोगों की मृत्यु हो रही है, ये सब कुछ ठीक नहीं। आलक्ष्मी कहती है कि मैं सब कुछ रोक दूंगी अगर आप मुझे मेरा स्थान देंगे तो। कृष्ण कहते हैं कि ये संभव नहीं है, क्योंकि जो स्थान तुम मांग रही हो वो सिर्फ और सिर्फ राधा का है। राधा का नाम सुनकर आलक्ष्मी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती हैं कि राधा ही तो मेरे मार्ग का सबसे बड़ा कांटा है और अब इस कांटे को ही मैं ख़त्म कर दूंगी। वो ज्वालासुर को एक बार फिर से बुलाती है और कहती हैं कि जाओ राधा के पास जाओ और उसे ख़त्म कर दो। राधा के ऊपर ज्वालासुर अपनी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव छोड़ता है, जिसके बाद राधा को भी धीरे धीरे तबीयत खराब होने का एहसास होने लगता है। वो एक बार फिर से माता गौरी के चरणों में जाकर के पूजा अर्चना करती है। राधा यहाँ पर कहती हैं कि माँ गौरी, आप मुझे शक्तियाँ प्रदान कीजिए या फिर आप मेरी जान ले लीजिए। यहाँ पर राधा को देखते हुए गौरी माँ बैठी रहती हैं और महादेव उनसे पूछते हैं कि आखिर आप जा क्यों नहीं रही हैं। राधा के बारे में समझाते हुए माँ गौरी कहती हैं कि राधा का नश्वर शरीर है, जो शक्तियाँ मैं उसमें संचालित करूँगी वो अभी झेल नहीं पाएगी, लेकिन अब उसने मुझे मदद के लिए पुकारा है तो अब मैं राधा की मदद अवश्य करूँगी। बस मुझे इसी क्षण की प्रतीक्षा थी और अब मैं उसे शक्तियाँ अवश्य प्रदान करूँगी। राधा की तबीयत जैसे ही बिगड़ने वाली होती है, यहाँ पर आलक्ष्मी कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, राधा में से इतना तेज क्यों निकल रहा है। कृष्ण कहेंगे कि ये देवी गौरी की शक्तियाँ हैं जो राधा में समाहित हैं, जिससे वो पूरी द्वारका की रक्षा करेगी। और यहाँ पर पूजा करते करते राधा का जो है वो सोने की तरह चमकने लगता है। और यहाँ पर आज रात के एपिसोड में आपको श्री राधा का नया अवतार देखने के लिए मिलेगा, जिसका नाम होता है शीतला माता, और वो कैसे द्वारका वासियों की रक्षा करेंगी, ये सब कुछ आगे आने वाले एपिसोड में देखना होगा। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग।